बेसिकली लाहौर के अंदर 11 बज गए, जो ट्रक की आवाज़ें आ रही है ना, इसके लिए थोड़ी माजरत। तो जो इमरान है जब शुरू करना चाहिए भाई, खैर हम दोबारा कर लेते हैं, दोबारा कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदेद इस व्लॉग के अंदर। आई होप यू आर ऑल फाइन। यार आप लोगों को आइडिया है कि जब भी मेरा लॉन्ग ट्रिप प्लान होता है उससे पहले मेरे चैनल के ऊपर बर्फ़बारी शुरू हो जाती है, ठंड पड़ जाती है, वीडियो बहुत कम आती है। इसकी रीज़न ये है कि छुट्टी लेने से पहले मुझे ऑफिस का बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है ताकि छुट्टियाँ मैं वहाँ पर आराम से गुजार सकूँ। सो अभी भी इस तरह आजकल मैं बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा हूँ, इसको ज़रा इग्नोर कीजिएगा। पहली बार ज़िंदगी में पंखे में आता है, चलो इग्नोर करो। खैर, जर्मनी से आया मेरा दोस्त, लाहौर से होते हुए नानकाना। मैं सोच रहा था कि पहले मैं अबरार से मिलने नानकाना जाऊं, लेकिन अबरार वाज बिजी, सो अब अबरार आज लाहौर आ रहा है। तो ये कैसे मुमकिन है अबरार लाहौर आए और हमारी मुलाकात ना हो, कैसे मुमकिन है? सो अभी अबरार बेसिकली इनवाइटेड है 2 से 3 जगहों पर लाहौर के अंदर ग्रुप्स में। तो फिर हमारा प्लान यही हुआ कि हम मिलते हैं एक जगह पर, वहाँ से फिर हम इंशाल्लाह जो लाहौर का दिन होगा इबरार का, वो हम साथ स्पेंड करेंगे और आगे की प्लानिंग करेंगे कि आगे इबरार की क्या प्लानिंग है, मेरी क्या प्लानिंग है। इससे आगे निकलो यार, ये क्या फेंक रहा ऊपर, ट्रक से तो जान छोटी। सो आगे चलते हैं, अभी इबरार का वेट करता हूँ मैं चबुर्जी पे, और डिस्कशन करेंगे कि इबरार का क्या प्लान है, क्योंकि सेम डे में जब इबरार ने निकलना है उन्हीं डेज में मैंने भी निकलना है। ये जो मैप है ना, मैप ये इबरार को गलत लोकेशन में फिरा रहा है, गलत रास्ते से ला रहा है। सो कोई नहीं, लाइव लोकेशन का फ़ायदा ये होता है कि मैं फॉलो कर रहा हूँ, चेज में हूँ। चलो भाई चलो। इब्रार इज हेयर, और अपने दोस्त को कहाँ छोड़ा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रुक रहे हैं, चलना सीधा उधर, रुक रहे हैं, रुकना है, चलना सीधा उधर। क्या सीन बना बारिश का? बारिश कमी तो रुके थे तो बारिश स्टार्ट होगी, लेकिन अच्छा मैं तो बहुत प्यार बारिश। यार ये शुक्र है लाइव लोकेशन भेज दी, मैं तो वहीं पे खड़ा हुआ था। अच्छा, तुम लोग हो गया आगे वहाँ से, ऊपर से जो बाबू साबू है ना, यहाँ से हो गया आगे, यहाँ से आना चाहिए था। मैं तो गूगल की बनका रही थी। ले जी, ये है ब्लॉग का वेलकम, एंड वेल डिजर्विंग वेलकम। काफ़ी लोग, जब मैं साउथ अमेरिका में ट्रैवल करता था तो बहुत खुश होते थे, इतनी अच्छी स्पेनिश नहीं है लेकिन मैं कोशिश करता था। तो जी लंबी मसरूफियत के बाद अब निकल रहे हैं दूसरी लोकेशन के लिए। हाय, अच्छा वेलकम हो गया। तो जी एक गैदरिंग ख़त्म हुई, अब BMW ग्रुप के पास जा रहे हैं जहाँ पे अबरार का वेलकम है। और एक जल्दी लगी हुई थी मुझे यार कि मगरिब का टाइम हो गया है, नमाज़ पढ़नी है। सो पीछे मैंने स्टे करके मगरिब की नमाज़ पढ़ ली है, अल्हम्दुलिल्लाह अब ज़रा सुकून है, कोई परेशानी नहीं है। बात यह है कि भाई नमाज़ ज़रूरी है। मेरा जुमला आप लोगों को याद ही होगा, डोंट फॉरगेट नमाज इवन इफ़ यू आर ट्रैवलिंग। शहर से बाहर नहीं जा रहे भी, खैर ट्रैवलिंग में अभी भी हैं, नमाज नहीं छोड़नी चाहिए आपको। तो चले आगे दूसरे ग्रुप की तरफ। ओहो, ले जी ये आ गए हम अपनी आज की दूसरी लोकेशन पे। यार जिन्होंने रात में इसके लोग देखने थे ना, वो अब देख लो, अरे देखो चंगी लुक है माशाल्लाह। ये जो चीज़ है ना पार्किंग इसकी, ये अखीर है।
ये खड़े हैं ना बीस्ट, ये बीस्ट सिर्फ ऐसी रोडों पे चला सकते हैं भाई। ये बीस्ट है ना ऑफ रोड, आप लेके जो आपकी लग लग पता जाएगा ये बीस्ट कैसे ऐसा ही है। ये एक मेन रीजन है जिसकी वजह से मैंने बड़ा बीस्ट। लो जी ये दूसरा मीटअप भी कंप्लीट हो गया, जो कि TLC हार्डर डेविडसन इनके ग्रुप की तरफ से था। ये है जी THD, हाँ जी द डिस्ट्रिक्ट THD और TLC दो ग्रुप से। हाँ जी भाई अल्लाह हाफिज़ जी। जी मैं इंशाल्लाह आपसे कांटेक्ट करूंगा। थैंक यू सो मच। श्योर सर, थैंक यू। बहुत सारी जगहों पे वेलकम के बाद फाइनली अब हमारे पास थोड़ा टाइम है कि दोनों भाई कौन से वेलकम तसल्ली से बातचीत कर सके। तो भाई सबसे पहले तो कैसा वेलकम रहा है यार? बहुत अच्छा रहा, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतने लोग आएंगे। एक्चुअली मैंने जब स्टोरी शेयर की थी तो मुझे लग रहा था शायद ज़्यादा से ज़्यादा 5-10 लोग 15 लोग आएंगे, लेकिन क्योंकि सलमान हमीद साहब ने काफ़ी अच्छा इंतज़ाम किया था, उन्होंने भी इनवाइट किए थे लोग, तो काफ़ी मेरे ख्याल में 50-60 के करीब लोग थे। मैं तो इस तरह की चीज़ों से थोड़ा सा परहेज ही करता हूँ, लेकिन ये कि जब लोग इतने इज्जत देते हैं प्यार देते हैं तो फिर आपको जो है ना उनके साथ मिलना पड़ता है। और कोरोना के टाइम में लेकिन कहते हैं पाकिस्तान में कोरोना ख़त्म हो गया, तो पाकिस्तान में कोरोना ख़त्म हो गया, इसके बावजूद जो है सब लोगों से मिले बहुत अच्छा लगा। लेकिन मेरे ख्याल से जो ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहा ना सेशन, वो ये जो हमारा TLC का ग्रुप था बिना जी, इनके साथ एक थोड़ा थोड़ा ज़्यादा अच्छा सही रहा, क्योंकि वो जो दूसरा माहौल था ना वो बड़ा कंजस्टेड हो गया था। हालांकि बहुत बम आई थी, वो तो यानी फूल फेंके गए भाई के ऊपर, वो भी बड़ा अच्छा था, यानी बड़ा रिस्पेक्टफुल उन्होंने बनाया था। एक जहाँ पे भी गया हूँ अभी तक सब लोगों ने बड़ी इज्जत दी। TLC वालों के पास गया था तो काफ़ी अच्छा लगा, वो एक डिफरेंट सी गैदरिंग थी, क्योंकि सब लोग आए थे वो सुनना चाहते थे मेरी स्टोरीज़ वगैरह, जिस तरह मेरी राइड अभी तक की रही है। और फिर उन्होंने ऑफ़र की कि अगर मुझे कोई रस्ते में अभी मैं पाकिस्तान एक्सप्लोर कर रहा हूँ कोई मसला होगा तो वो हेल्प वगैरह करेंगे। तो ये अच्छा होता है कि आपके अगर लिंक्स बनते जाएँ, क्योंकि ये लोग यहाँ पर राइड करते हैं तो इनको इस तरह की चीज़ों का पता होता है। बाकी ये कि जो सलमान भाई ने किया था अरेंज वो काफ़ी अच्छा, काफ़ी खुशी हुई, बहुत लोग आए थे, स्पेशली वहाँ पर वो लोग आए थे जो मेरा यूट्यूब चैनल देखते हैं, यहाँ पे भी वो लोग थे, लेकिन ये एक डिफरेंट सी गैदरिंग थी, दोनों बहुत अच्छी थी। एक चीज़ ना बता दूँ कि मुझे ना बहुत से सब्सक्राइबर ने कहा है कि यार हमने अब्रार के व्लॉग देखे हैं, आपका भाई एक व्लॉग चैनल बनाता है अब्रार वाइल्ड लाइफ बाई अब्रार, वो आपका भाई टोटल। मैं क्या दोस्ती वगैरह हुई है, लेकिन आज ये वाली बात कि यू लुक लाइक माई ब्रदर, आज मैंने अब्रार को मुँह पर बोल लिया और मैंने बताया मेरे का अगर मैं अम्मी को तस्वीर भेजूँगा तो अम्मी ने कहनी है तो वो इसके साथ अभी यहाँ पे क्या कर, बस देख ले। वो कहते हैं ना कि जुड़वा कहीं ना कहीं आपके, वो कहते हैं 7 शक्लें होती हैं 5 होती हैं कि पता नहीं कुछ सात कुछ इस तरह है, तो बस हो सकता है कि कोई मेरा भी हम शक्ल जो है ना फिर रहा हो तो वो मिल लेंगे आपके हम शक्ल भाई से हम भी। अच्छा दूसरी चीज़ ये है कि अभी तो अब्रार का प्लान यही है कि पाकिस्तान फिरना है, पाकिस्तान एक्सप्लोर करना है, तो अभी तक मेरे ख्याल से क्रोशिया वाला आया, अभी बोस्निया वाला आया, बोस्निया क्रोशिया वाले आ रहे हैं। और सबसे जो डिफ़िकल्ट चीज़ होती है जब आप राइड कर रहे होते हैं 10-12 घंटे आप बाइक पे गुजारते हैं, उसके बाद बहुत मुश्किल होता है कि आप व्लॉग को एडिट कर सकें, लेकिन मेरा ये आप लोगों से वादा है कि मैंने सारे व्लॉग्स जो हैं वो अच्छी तरह रिकॉर्ड किए हुए हैं, वो सेफ और साउंड मेरे पास घर में पड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अब जो है नेक्स्ट जो है इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है ना ट्रैवल करेंगे, और अगले 3 महीनों में पाकिस्तान जितना मैं राइड कर सकता हूँ वो करूँगा, और जितना मैं कोशिश करूँगा अच्छी एरिया से एक्सप्लोर करें और आप लोगों को दिखाएँ इंशाल्लाह। वो सारी जो है ना मेहनत अब यहाँ से स्टार्ट होगी। अच्छा भाई एक क्वेश्चन ये कि बोस्निया के बाद टिल पाकिस्तान जो अभी तक शूट हो चुका है, इस सफ़र में कुछ 2 से 3 वो तो मुझे पता है मीटिंग के अंदर कौन सी है, लेकिन अपने व्यूअर्स के लिए और मेरे व्यूअर्स के लिए 2 से 3 ऐसे जो ऐसे यानी गुजरे हों दिन जो बड़े टफ हो, वो कौन कौन से कंट्री के होंगे? सबसे मेरा ये मेरे ख्याल में अभी एक मिनट हम ब्रेक लेते हैं, ये हमारा जो है ना मेरे ख्याल में हैंड सैनिटाइजर। अच्छा जी थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आई थी, उसके बाद सवाल मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। इब्राहिम से मेरा सवाल ये है कि अभी जो बोस्निया के बाद जो लास्ट व्लॉग आया हुआ है उसके बाद से लेके अब तक पाकिस्तान आने तक 2 से 3 ऐसी जगहें जहाँ पे
यानी आप लोग जो व्यूअर्स हैं विरार के और जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको मज़ा आ जाएगा वीडियो देख के, वो कौन सी दो से तीन ऐसी जगह हैं। एक तो मैंने तुर्की में राइड की थी, वहाँ की है डी मेरे ख्याल में डी 500 या डी 590 है कुछ इस तरह करके एक रोड है जो कि जिसे कहते हैं डेथ रोड, और वो हमने की थी रात के टाइम ऑफ रोड। और वो जो है वो ऐसी जगह है जहाँ पे हम लोग अपने कंफर्ट, मेरे साथ, मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ दो तुर्किश राइडर थे उनके साथ मिलके की थी। और वो बंदे हैं जिनकी उम्र 36 साल है और वो 14 साल से राइड कर रहे हैं, 14 साल के थे तब से राइड कर रहे हैं, मतलब मेरे 22 साल का उनका एक्सपीरियंस, मेरा तो कुछ भी नहीं है। और वो भी कहते थे कि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर चले गए हैं, रात के टाइम बारिश में हमने वो कवर किया। तो एक तो वो चीज़ है, उसके अलावा सीनरी के लिहाज से तुर्की में बहुत ऐसी जगह हैं, लेकिन वो जगह जहाँ पर मैं कहूँगा कि मैं जो सबसे ज़्यादा मुश्किल आई वो ईरान की एक दो जगह हैं, डेजर्ट वगैरह, हीट की वजह से, हीट स्टॉर्म वहाँ पे मेरे ख्याल में 50 डिग्री तक था। तो डेजर्ट का नाम क्या बताया था? दश्त-ए-लूत। हाँ जी, तो आप जब वो देखेंगे तो इंशाल्लाह आप लोग इन्जॉय करेंगे, या एटलीस्ट आपको एक वो डिफरेंट मिलेगा कि सब सीनिक नहीं है लेकिन बंदा जो एक्सपीरियंस करता है राइड में, क्योंकि जब आप यूरोप से निकलते हैं तो सब चीज़ें चेंज होना शुरू हो जाती हैं। यूरोप ग्रीन है, बाकी दुनिया जो वो डिफरेंट है, कल्चरल प्लेसेस हैं, तो आपको वो चीज़ें इंशाल्लाह अच्छी लगेंगी। अच्छा, इब्रार ने एक चीज़ बताई थी कि दश्त-ए-लूत डेजर्ट है ईरान का, यार ये शोर। अच्छा, इब्रार ने जो दश्त-ए-लूत का बताया था उसमें 70 डिग्री तक रिकॉर्ड हुआ है टेम्परेचर, 70 डिग्री हाइस्ट जो दुनिया में रिकॉर्ड किया गया किसी जगह पर वो वहाँ पर है 70 डिग्री। और मैं जब जहाँ वहाँ पर था तो ऑलमोस्ट 50 के करीब था, लकली जो 20 डिग्री है वो कम था, लेकिन रात के टाइम भी वहाँ पे गर्म हवाएं चल रही थी। और मेरी ज़िंदगी का वो सबसे जो डिफरेंट एक्सपीरियंस अभी तक मैंने किया है, तो वो कोशिश होगी कि आप लोग जब देखें तो आप थोड़ा सा फील करें। लेकिन ऐसी जगहों पे मैं रिकॉर्ड, अक्सर मेरा कैमरा नहीं रिकॉर्ड कर रहा था, वो कहते थे मैं बहुत गर्म हो गया, बस छोड़ दे मुझे। तो ये चीज़ें मुझे वहाँ पर फेस करने को मिली। अच्छा, ये जो चीज़ है ना कैमरा रिकॉर्ड नहीं करता है, ये मैंने फील किया था, मैं ड्रोन बना रहा था फुटेज उसकी, क्या नाम है, एक रोहतास फोर्ट की ड्रोन फुटेज बना रहा था, तो वहाँ पे मेरे मोबाइल ने कहा था कि भाई गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, हाई गर्मी हो गई है, तो वहाँ पे मेरा ड्रोन है बेसिकली मर गया था एकदम, फिर मुझे सिर्फ फोर्सफुली नीचे उतारना पड़ा था और कूल डाउन कर गया। हाँ, ये अक्सर होता है कैमराज के साथ, क्योंकि ये 40-45 डिग्री तक जाते हैं, उसके बाद काम करना छोड़ देते हैं, तो अक्सर जो है ना तो कैमरे के सेंसर को, ताकि कोई नुकसान ना हो, कैमरा जो जवाब दे जाते हैं, तो ये अक्सर हो जाता है। मोबाइल के साथ तो आम हो जाता है, स्पेशली जब नेविगेशन चल रही है और साथ में आप चार्जिंग लगाई हो तो वो हो जाता है। सो जब इब्रार ने ट्रिप शुरू करना था उससे पहले की बेसिकली लाहौर के अंदर 11 बज गए, जो ट्रक की आवाज़ें आ रही है ना इसके लिए थोड़ी माजरत। तो जो इब्रार ने जब शुरू करना था ये भाई, खैर हम दोबारा कर लेते हैं कोई मसला नहीं, एक और आ गया। अच्छा, इब्रार ने जो राइड शुरू करनी थी उससे पहले से हमारी बातचीत शुरू हो गई थी, और उस टाइम ही मेरी फुल सपोर्ट थी कि मेरा पाकिस्तानी एक दोस्त वहाँ से यहाँ तक आएगा और आगे इंडिया भी जाने का प्लान है, तो मेरी दुआएं अभी भी साथ हैं, इब्रार वहाँ तक भी जाए और पाकिस्तान को पहले पूरी तरह एक्सप्लोर करके जाए वहाँ तक। और पहले भी सपोर्ट थी भाई, अभी भी सपोर्ट है। जितने मेरे व्यूअर्स हैं सब जाओ भाई के चैनल को लाइक करो, सिर्फ भाई के भी लोग नहीं, क्योंकि मैंने देखे हैं जो सिर्फ बाइक के व्लॉग्स नहीं, जो मैंने इब्रार की पहली वीडियो देखी है शायद आयरलैंड की है या स्कॉटलैंड की है, उसका कंटेंट भी देखें आपको मज़ा आएगा, फील है। एक तो जो वीडियो चढ़ी थी वो तो चढ़ी थी उससे इज़राइल की, जेरूसलम आप पैलेस्टाइन कह लें या आप जो मर्जी समझें, पैलेस्टाइन की जो ओल्ड सिटी है वो पैलेस्टाइन का पार्ट है यूएन के मुताबिक। तो कुछ लोग मुझे गालियाँ देते हैं आप क्यों इज़राइल लिखते हैं, वो इसलिए लिखते हैं कि जब इसराइल का नाम पाकिस्तान से जुड़ता है तो आप क्लिक करते हैं, जब पैलेस्टाइन का होता है तो आप लोग कम क्लिक करते हैं, तो इसलिए नाम की वजह से वो मैंने इसराइल लिखा हुआ। और बाकी ये कि जब मैं पाकिस्तान के, ये मैंने राइड स्टार्ट की थी तो एक शरोज था, एक और मोहसिन भाई हैं अपने पाक वेंचर्स वाले, इन दो के मुझे चैनल मिले थे। एक और बंदे का मुझे कॉन्टेंट बड़ा पसंद है, अली अहमद के नाम से है, अली अहमद, तो मैंने इनका कॉन्टेंट देखा था बिल्कुल, और इन तीनों के चैनल देख के मैंने पाकिस्तान की वो जगह जो है जहाँ पर मैं जाना चाहता हूँ तो वो मैंने अपनी लिस्ट बनाई थी। तो शुक्रिया आप लोगों का, आपने कंटेंट इतना अच्छा बनाया। और आई रियली फील ऑनर्ड, और मैं ये चाहता हूँ कि भाई वहाँ पे जाओ और अपने अंदाज से वाइल्ड लेंस क्या दिखाता है, वाइल्ड लेंस की आंखें क्या देखती हैं वो यूज़र देखें, ये मैं चाहता हूँ, क्योंकि आई लव योर कंटेंट।
मेरी कोशिश होगी इंशाल्लाह जब आप लोग देखें मेरा कंटेंट तो वो बाकी यूट्यूबर जितने भी जाते हैं उनसे डिफरेंट हो। मैं ये नहीं कहता उनसे अच्छा होगा, मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि मेरी कोशिश होगी उनसे डिफरेंट हो, और जब आप देखें तो आप महसूस करें कि मैंने मेहनत की है। अच्छा बुरा वो आप लोग डिसाइड करोगे, लेकिन मैं अपनी मेहनत ज़रूर करूँगा उसके। और भाई वो मेहनत बेसिकली नज़र भी आती है। सो लास्ट में एक चीज़, दोनों को एक बार एक साथ देख लें और फैसला कर लें कि जुड़वा है कि नहीं, बड़ा भाई लगता कि नहीं मेरा बस क्योंकि मुझे लगता है मेरी अम्मी भी देख रही होंगी ना वीडियो, अम्मी भी कहेंगी अपने बड़े भाई के साथ तुम खड़े पे हो। बाकी ये कि अगर आपको शरोज का कंटेंट, अगर आप मेरे व्यूअर्स हैं तो आपको लोगों को शरोज का कंटेंट अच्छा लगता है, मैं किसी को ये नहीं कहता कि आप जाके सब्सक्राइब करें, आप जाके सबसे पहले उसकी वीडियो देखें, अगर आपको अच्छी लगती है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हमेशा जो अपने लोग होते हैं उनको सपोर्ट करें। कहते हैं ना कि आपके हमसाए में अगर भूखा हो तो सबसे पहले उसको खाना खिलाओ, तो इसी तरह जब आप अपने कंटेंट क्रिएटर्स को देखते हैं तो सपोर्ट किया करें, ना कि उन्हें गालियां दिया करें। यहाँ पे लोग जो है बड़ी मेहनत करते हैं, तो अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, अगर नहीं पसंद आए तो कोई मसला नहीं है, आप मेरा कंटेंट देखें, वो भी ना पसंद आए तो किसी और भाई का कंटेंट देखें, कोई ना भी आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। तो ये मेरी आपसे हमेशा कोशिश होती है कि लोग जब देखें तो इस चीज़ को देखें। भाई थैंक यू सो मच यहाँ पे आए और हमारे साथ एक टाइम गुजरा, और वो हम लोग इतना नहीं फिर सके क्योंकि कुछ गैदरिंग थी, हम लोगों ने वो कवर करनी थी। बहुत खुशी आपने टाइम निकाला मेरे लिए, और हाँ जी इंशाल्लाह साथ मिलके किसी दिन जो है एक्सप्लोर करेंगे पाकिस्तान, और कोशिश होगी आप लोगों को साथ मिलके कुछ दिखा सकें। क्या पता अभी जो हम ट्रिप पे निकल रहे हैं, भाई साहब ने निकलने कश्मीर की तरफ जा रहा हूँ, और उसके बाद मैं कश्मीर से आगे जो है नरान साइड जलकट की आगे से ऊपर स्कर्दू की तरफ निकलूंगा, और फिर मुंजा, और फिर वहाँ से होते हुए चित्राल नॉर्थ वो वज़ीरिस्तान, ये सारे एरियाज कवर करूँगा, तो इंशाल्लाह हमारी मुलाकात ज़रूर होगी। हो सकती है रस्ते में कहीं भी हो सकती है, क्योंकि मेरा जो ट्रिप है ना खराफाती ट्रिप यहाँ पे एक फंस गया, तो वो भी मैंने ऐसे ही अकेले करना है, मैं भी अकेले जा रहा हूँ और इब्रार भी अकेले ही जा रहे हैं, हम सोलो राइडर हैं। तो हाँ। सोलो तो इस सूरत में मैंने लास्ट टाइम मैंने कहा था, मैंने कहा यार आप लोग लाइक ना करो, बेशक सब्सक्राइब ना करो, दुआ लाजमी किया करो, क्योंकि हमें बहुत ज़रूरत होती है उस चीज़ की। आप लोगों को आइडिया नहीं है कि जो सोलो ट्रिप कर रहे होते हैं रिस्क फैक्टर 100% होता है उसके अंदर। हाँ उसके अलावा मसलन अगर आपने फिल्मिंग करनी है तो जहाँ पे एक घंटा लगता है वहाँ पे हमें 4 घंटे लगते हैं, ऐसे ही क्योंकि आप राइड करके जाते हो फिर वापस आते हो, ड्रोन नहीं चला फिर किया तो ये चीज़ होती है ना सोलो में बहुत होता है। तो अल्लाह सबको हमेशा खुश रखे, खुश रहें, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।